किलर क्लाउन, एक ऐसा क्लाउन जो कि किसी को खुश करने का इंटेंशन नहीं रखता है, किसी को हंसाने का इंटेंशन नहीं रखता है, बल्कि वो इंटेंशन रखता है किसी को मारने का। यस एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे स्केरी किलर क्लाउन की व्हाट्सएप हॉरर स्टोरी, एंड हम पढ़ने वाले हैं उस इंसिडेंट की स्केरी व्हाट्सएप चैट साथ में जो की हुई थी उस इंसान के साथ। लेट्स बिगिन। ओके, सो द स्टोरी स्टार्ट्स वन इवनिंग, एंड वो इंसान बात कर रहा है शिवानी नाम की एक लड़की से, एंड शिवानी का मैसेज आया था हाय पहुंच गए, एंड फिर शिवानी ने नीचे एक फोटो दिया जो कि आई थिंक सो एक मेले की है, एंड या भाई द मेला इज लुकिंग प्रीटी सिक। एंड फिर हमारा मेन कैरेक्टर सामने से लिखता है मेले में जाकर इतनी खुशी, बच्चे हो क्या तुम लोग, ऐसे कंपलसरी था। देन शिवानी लिखती है तुम खुद नहीं आ पाए तो क्या कोई और खुश ना हो, मुझे जाना भी नहीं था, एग्जाम आ रहे हैं मेरे, तुम होती तो ये वाला झूला झूलते। ओके, तो हमारा मेन कैरेक्टर फीमेल है, ओके वी गॉट टू नो दिस, एंड इस वाले झूले की बात की जा रही है, एग्जैक्टली बोट वाला झूला बोलते हैं हम तो इसे यहाँ पे, थीव पता नहीं कुछ ऐसे करके बोला जाता है अंग्रेजी में, पता नहीं भाई मेरे को अंग्रेजी में, बट हम तो बोट वाला झूला बोलते हैं यहाँ पे, एंड दिस इज माय फेवरेट झूला, मैं मेले में जाके सिर्फ ये लेता हूँ। देन हमारा मेन कैरेक्टर सामने से लिखता है तुम ही लोग झूलो, किसके साथ जाऊँ, डॉली और अमन को डर लगता है। ब्रो हमारे ग्रुप में भी है एक, उसको सबसे ज्यादा डर लगता है और हम खींच के लेके जाते हैं उसे इस पे, और हम मेनली उसी के रिएक्शन देखने के लिए जाते हैं उस बोर्ड वाले झूले पे। शिवम को उल्टी आ जाती है, अरे नहीं आती शिवम को उल्टी, ओके दिस वाज अनएक्सपेक्टेड, ठीक है चलो मैं भी हूँ इस वाली स्टोरी में, वाओ प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना तुम, अरे तू अकेले जाओ अकेले में मजा नहीं आता है, सही बात है इस वाले झूले में अकेले में सच्ची में नहीं मजा आता भाई, क्या यार तुम्हारा दोस्त जब तक डर के मारे वो बोट वाले बेंच पे ना बैठ जाए तो उसमें मजा ही क्या आएगा, अकेले जाके क्या मजा है, चल ठीक है बाद में बात करती हूँ, बाय बाय बाय। ओके, तो इन दोनों की बाय बाय हो गई, ऑल राइट। तो अभी तक के सिनेरियो में वो मेले में गई है उसकी शिवानी दोस्त, एंड वो उसे भी बुला रही थी, बट मेन कैरेक्टर नहीं गया मेले में, ठीक है वी गॉट इट। एंड नाउ लेटर दैट नाइट, ऑल राइट लेट्स सी, शिवानी लिखती है मजा आ गया यार आज तो बहुत मस्ती की हम लोगों ने, क्या क्या लिया, कुछ नहीं यार बस एक सस्ती सी लिपस्टिक, लेने के लिए कुछ नहीं था खास है, ऐसा कैसे हो सकता है यार मेले में तुम्हें कुछ खास ना मिला, आई मीन यार लड़कियां होती है पिकी, तो नहीं मिला होगा शिवानी को कुछ उसके लायक, खैर लेकिन मैजिक शो सर्कस एंड ऑल, सर्कस के क्लाउन के तो बहुत मजे लिए हमने। आई थिंक सो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, अब उसकी नाक भी चुरा ली, वो तो जो जोकर के नाक पे बॉल लगी होती है रेड कलर की, ये लोग वो उठा ले आए चोरी करके, मैन दैट्स नॉट नाइस थिंग टू डू, एंड उसके बाद दांत भी फाड़ रहे हैं, तुम लोग भी ना, रुक यार अमन के पापा का कॉल आ रहा है, उसके पापा का, मैंने बात की वो कह रहे हैं कि अमन अभी तक घर नहीं पहुंचा, जबकि वो तो मुझे ड्रॉप कर घर के लिए ही निकल रहा था। तो इनका दोस्त अमन घर नहीं पहुंचा है, एंड उसने शिवानी को कब का ड्रॉप कर दिया है, शिवानी घर पहुंच चुकी है बट अमन नहीं पहुंचा, एंड उसके पापा कॉल कर रहे हैं, ओके उसका घर तो बस थोड़ी ही दूर है ना तेरे घर से, हाँ मैं उसे कॉल कर लेती हूँ। फ्यू डेज लेटर अरे अमन मिला ही नहीं बताओ तो सही, एंड हमारी मेन कैरेक्टर लिखती है घर पहुंच गई तुम ठीक से, एंड शिवानी लिखती है हाँ यार लेकिन आज घर पर कोई नहीं है सब बाहर गए हैं, कोई बात नहीं शिवानी कुछ नहीं होगा, मुझे डर लग रहा है वो मेरा पीछा कर रहा है, क्या व्हाट अबे कौन, एक सेकंड शिवानी बाहर है वो तो कह रही थी घर पहुंच गई, शिवानी यार तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है, वो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, तुम डॉली शिवम सब ऐसे कर रहे हो क्योंकि वो क्लाउन हम लोगों को स्टॉक कर रहा है अनन्या, ओके तो मेन कैरेक्टर का नाम अनन्या है एंड उसको क्लाउन स्टॉक कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा है आई मीन क्लाउन का पीछा कर रहा है, ओके दिस इज इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है अमन को उसी ने गायब किया है, वो अमन गायब हो चुका है, ओ नो ये ओके ठीक है ये हमें पता चल रहा है, हम लोग ने उसे इंसल्ट किया था इसलिए वो बदला ले रहा है, जब वो क्लाउन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो तुम लोगों को स्टॉक कैसे करेगा, तुम लोगों के कहने पर पुलिस ने सर्कस वालों से पूछताछ की तो थी, ब्रो ये मामला इतना आगे चला गया कि लिटरली पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ा है, आई मीन ऑब्वियसली एक इंसान गायब हुआ है, एंड शिवानी ने मेरे को लग रहा है जहां तक बताया होगा कि उसको शक क्लाउन पे जा रहा है, तो यार सर्कस वालों से पूछा होगा, उन्होंने बताया कि उनके यहाँ जो क्लाउन है वो तो कम हाइट का बोना आदमी है, तुम लोगों ने जो डिस्क्रिप्शन दिया उससे मैच ही नहीं करता, हाँ ये तो है बट हमें अच्छे से याद है कि वहाँ एक और क्लाउन था जिसको हम लोगों ने परेशान किया था, वही है जो हम लोगों को अब परेशान कर रहा है, और अमन की गाड़ी में से जोकर के कुछ बाल भी मिले थे ना, ओह माय गॉड ब्रो ओके भाई तुमने पंगे ले लिए भाई, यूजुअली जो ऐसे क्लाउन होते हैं बेचारे वो ऑलरेडी अपनी जिंदगी से परेशान होते हैं डिप्रेस्ड होते हैं, और तुमने उसका इंसल्ट वगैरह करके आई थिंक सो उसे हर्ट कर दिया, तो मे भी वो सच्ची में बदला ले रहा हूँ, लाइक अभी शिवानी ने बताया कि लिटरली बाल मिले हैं गाड़ी में, क्लाउन के बाल इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है, आई डोंट नो, या तो फिर कुछ खतरनाक ट्विस्ट हो सकता है मे भी हु नोस। फिर अनन्या जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो लिखती है हाँ और पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है, तुम टेंशन मत लो अमन मिल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, ब्रो फ्यू डेज हो चुके हैं अमन अभी तक नहीं मिला है, हाउ इज दिस पॉसिबल,
बट अनन्या एक मिनट कोई डोरबेल बजा रहा है। ओ मत जा शिवानी, मत जा मैं देख कर आती हूँ। ओह नो, लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। एंड अगला मैसेज ऑलमोस्ट 14 मिनट्स लेट आया। अनन्या यू वॉन्ट बिलीव दिस, जब मैंने बाहर चेक किया था कोई नहीं था, लेकिन जब मैं अंदर आई तो मुझे बेडरूम में ये सब मिला। क्या क्या सब? गॉड, एक स्माइली वाला बैलून कोई सामने रख के चला गया उसके मिरर के। भाई दिस इज क्रीपी, दिस इज क्रीपी। कोई तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है भाई, कितना क्रीपी हो गए। आर यू श्योर ये पहले अंदर नहीं था? नहीं था, कहीं वो मुझे भी अमन की तरह अपने साथ ना ले जाए। तुम अपनी मम्मा पापा को कॉल करो, उन्हें घर बुला लो। हाँ कॉल कर दिया उनको, वो आ रहे हैं घर। गुड, तुम अब अंदर ही रहना, कोई बेल बजाए तो गेट मत खोलना। एग्जैक्टली अनन्या, मेरा यही पॉइंट है, जब कोई बेल बजा रहा है तुम्हें पता है जब तुम्हारे साथ सिनेरियोज हो रहे हैं, तुमने एक क्लाउन का मजाक उड़ा लिया तो तुम क्यों जा रहे हो बाहर? तुम्हारा दोस्त गायब हुआ है, इतनी सारी चीजें हो रही है वियर्ड वियर्ड, बेल बजाने पे मत जाओ बाहर प्लीज। देन शिवानी लिखती है, हाँ कब मम्मी पापा आएंगे तो खिड़की में से पहले चेक करूंगी फिर दरवाजा खोलूंगी। गुड, यस गुड शिवानी, वेरी गुड। बाहर कोई हंस रहा है। ओह नो, ये पागलों वाली हंसी लग रही है, वो मुझे दरवाजा खोलने के लिए कह रहा है। ओह नो, शिवानी नीड्स हेल्प, प्लीज हेल्प कर उसकी। अनन्या मत खोलना, अंदर रहो तुम, मैं चुपके से खिड़की में से उसकी फोटो ले लेती हूँ। अबे क्या ब्रो, तेरे को फोटो शूट करने का? व्हाट द हेल शिवानी, What are you doing? पुलिस को देने के काम आएगी। ओके नाइस नाइस गुड मैं ही खोज रहा हूँ। हाँ बट संभाल कर प्लीज। ओह दिस इज द क्लिप जो उसने भेजी है। ओह भाई गुब्बारे लेके आया ये तो। गॉड डैमन इट। ओह नो शिवानी, तुम अब अपने रूम में जाओ और सारे डोर्स अंदर से लॉक कर लो, वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। दरवाजा खुल रहा है अनन्या। शिवानी अंदर जाओ प्लीज, पुलिस को कॉल करो। अरे तू कॉल कर ले अनन्या यार, तू कॉल कर ले, वो उसको बोल रही है वो ऐसी सिचुएशन में। अरे भाई ऐसे दोस्त है, शुक्र है मेरे को ऐसे दोस्त नहीं मिले, मैं सर फोड़ देता हूँ उनका मिलके। क्या हो रहा है वहाँ शिवानी? ?? उस रात से शिवानी लापता है, पुलिस अमन और शिवानी को ढूंढ रही है। गॉड Damn it, this was part one and अब हम part two देखने वाले हैं। And this is 2 days later. Dolly का message आया है। Hi अनन्या, वो physics के notes send कर दो मुझे। मैं अभी कुछ और दिन college नहीं आऊँगी। जब तक वो clown पकड़ा नहीं जाता, पुलिस ने मुझे और शिवम को घर में ही रहने को कहा है। Okay, I think so. इस part में शिवम भी जाने वाला है। All the best शिवम। Then अनन्या लिखती है, Dolly तुम्हें वो news नहीं मिली क्या? कौन सी news? शिवम के बारे में। वो भी आज शाम से missing है, bro. What? Oh no! अरे भाई शिवम भी गायब हो गया, शिवम घोचू तू तो बचा रहता। Then Dolly लिखती है, What? मुझे किसी ने नहीं बताया? शायद तुम्हें इसलिए ना बताया हो कि तुम्हें और ज्यादा स्ट्रेस ना हो जाए। I can't believe this. पहले वो क्लाउन शिवानी और अमन को ले गया, अब शिवम को भी। मेरे को अपना नाम लेना इतना वियर्ड लग रहा है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ एंड देन अनन्या ने एक इमेज भेजी है, शिवम को पहले उसके दरवाजे पर ये क्लाउन डॉल रखी मिली थी। फिर उसके कुछ टाइम बाद वो क्लाउन से ले गया, अब तो ये डॉल पुलिस ने जब्त कर लिया है। ये हो क्या रहा है, अब क्या होगा? तुम संभल के रहो अनन्या, अभी अभी कोई मेरे घर पर आया था और मम्मी को मेरे नाम का एक पार्सल देकर गया। ब्रो 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 डॉली जी, डॉली आ गई आपके घर में सच्ची में। एंड दिस इज द पार्सल जो डॉली को मिला है। फिर अनन्या लिखती है, इस पर तो जोकर बना है। ओ ब्रो एग्जैक्टली, मैंने तो देखा ही नहीं, ये देखो ये जोकर। ओ वो और बैलून्स वगैरह भी हैं। भाई के ध्यान से खोलना इसे। अबे पागल है क्या अनन्या, उसे खोलने को बोल रही है भाई, पुलिस वालों को पकड़ाओ। यार मेरी बात सुनो, तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे सीन हो रहे हैं, तुम पागलों की तरह गधों की तरह तुम कुछ भी चीजें करी जा रहे हो। गेट पे कोई आ रहा है गेट खोल रहे हो, कोई गिफ्ट दे रहा है गिफ्ट खोल रहे हो, अरे पागल हो क्या यार? क्या निकला इसमें डॉली? एंड देन डॉली ने एक वीडियो भेजी है 13 सेकंड की, लेट्स सी इसमें क्या है। ये वही गिफ्ट है एंड इसमें एक जोकर नाच रहा है ब्रो। दिस इज बैड भाई। डॉली तेरी डॉली उठने वाली है, अब मैं भी नहीं बचूंगी। सबको गायब होने के पहले क्लाउन की कोई ना कोई निशानी आई थी, अमन को क्लाउन हेयर, शिवानी को बैलून और शिवम को तो क्लाउन डॉल, अब मुझे ये आया है, अब मेरा नंबर है गायब होने का। डॉली बी पॉजिटिव, डॉली कम ऑन डॉली, व्हाट द हेल, ऐसे मत को डॉली। एग्जैक्टली समझाओ उसे अनन्या, वो सब भी मिल जाएंगे, पुलिस उस क्लाउन को पकड़ लेगी, पता नहीं क्या होगा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सब ठीक हो जाएगा, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके अबे ओके
अरे भाई उसके घर पे जा आफ्टर टू डेज। ओके आफ्टर टू डेज डॉली का मैसेज, हे अनन्या तुम्हें एक न्यूज़ देनी थी, मुझे जो म्यूजिक बॉक्स आया था वो हमने पुलिस को दे दिया था ना। फिर अनन्या लिखती है, हाँ बताया था तुमने, उस पर जो फिंगरप्रिंट्स थे उसकी मदद से पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा है और उससे पूछताछ कर रहे हैं। ओके फाइनली थैंक यू सो मच भाई, कोई तो पकड़ा गया, अभी तक केस में कुछ हो ही नहीं रहा था, बस इन्हीं से गड़बड़ हो रही थी। गुड, कोई तो क्लू मिला उसके बारे में। भाई ये अनन्या और मेरा दिमाग सेम ही क्यों चल रहा है? क्या चल रहे? एक ही दिन में उन्होंने पकड़ लिया उसे। हाँ पुलिस ने काफी जोर दिया तभी एक ही दिन में रिपोर्ट आ गई और सस्पेक्ट को ढूंढ भी लिया। मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है, अगर वो वही क्लाउन हुआ तो मैं उससे पूछ लूंगी और हमारे दोस्तों के बारे में भी पता चल जाएगा। ओह नाइस, दे आर रियली पॉजिटिव। हाँ तुम जाकर देखो उस सस्पेक्ट को, जो भी हो बाद में बताना मुझे। हाँ एंड देन आफ्टर सम टाइम अनन्या ने डॉली को मैसेज किया है, डॉली क्या हुआ वहाँ, वो किलर क्लाउन पकड़ा गया या नहीं? देन डॉली ने लिखा, नहीं जिसको पुलिस ने पकड़ा था वो क्लाउन नहीं कोई और था। आर यू श्योर? ऐसा तो नहीं कि बिना क्लाउन मेकअप के तुम उसे पहचान नहीं पाए हो? नहीं अनन्या, मैं उसे बिना मेकअप के पहचान सकती हूँ, जिसे पुलिस ने पकड़ा वो तो कुरियर कंपनी में काम करता है। अबे क्या, होल्ड अप, ओके तो उसने कुरियर किया होगा ना, तो उसके फिंगरप्रिंट्स लग गए होंगे बॉक्स पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके गॉट इट, तभी कुरियर वाला पकड़ा गया। माय बैड भाई, सॉरी कुरियर वाले भैया, सॉरी। उसने जो म्यूजिक बॉक्स डिलीवर किया था इसलिए उसके फिंगरप्रिंट्स थे उस पर। यप एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये आदमी वो क्लाउन नहीं जिसकी हमें तलाश है। कोई बात नहीं डॉली, आज नहीं तो कल पुलिस उसे पकड़ लेगी। तुम कहाँ हो अभी? घर पहुँच रही हूँ बस, पापा मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गए थे लेकिन उन्हें कुछ काम आ गया तो मुझे अकेले वापस आना पड़ा। भाई यू डोंट नो, दैट इज रिस्की, अपने आप को अकेला मत छोड़ो, अपने आसपास बॉडीगार्ड प्रोटेक्शन ले लो, पुलिस वालों से प्रोटेक्शन ले लो। ऑल राइट टेक केयर। एंड देन जस्ट फ्यू मिनट्स बाद डॉली का मैसेज आया है कि पुलिस को कॉल करके मेरे घर के आसपास वाले सुनसान एरिया में आने को कहो, प्लीज हरी अप, मेरी जान खतरे में है, प्लीज। Oh no, this is panic mode. क्या हुआ, तुम कहाँ हो? And then अनन्या ने वॉइस कॉल किया है लेकिन उसने आंसर नहीं दिया। कॉल मत करो मुझे, वो सुन लेगा। Exactly, गधी, उसने बोला सुनसान एरिया में आने को, कुछ खतरनाक हुआ होगा ना। अनन्या क्या कर रही है, कॉल क्यों कर रही है अनन्या, व्हाट द हेल अनन्या, कौन सुन लेगा? मैं घर पहुँचने ही वाली थी कि जब मैंने देखा कि वो क्लाउन मेरे घर के सामने ही खड़ा है, उससे बचने के लिए मैं भागते भागते यहाँ तक आ गई। ओके, मेरे को लगा भाई खींच के ले आया क्लाउन उसे यहाँ पे, पर चलो एटलीस्ट वो अपने दोस्त को तो इन्फॉर्म कर रही है ऐसी सिचुएशन में भी। गुड, वो अभी भी मुझे ढूंढ रहा है, मैं एक पेड़ के पीछे छिपी हूँ, वो मेरी आवाज सुन ना ले इसलिए तुम कॉल कर दो पुलिस को प्लीज। अबे भाई अनन्या यार, कॉल कर दे पुलिस को। अनन्या तू क्या कर रही है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग अनन्या? हाँ ओके, अनन्या कॉल्स पुलिस, अनन्या ने पुलिस को कॉल लगाई है। ओके लेट्स सी, एंड देन मैसेज करती है अनन्या, मैंने पुलिस को कॉल कर दी है और तुम्हारे पापा को भी, वो लोग आते ही होंगे, उसने तुम्हें देख तो नहीं लिया? डॉली आर यू ऑल राइट? अनन्या मुझे बहुत डर लग रहा है, वो किलर क्लाउन मुझे ढूंढ रहा है, उसने तुम्हें देखा तो नहीं? अभी नहीं लेकिन उसे पता है मैं यही हूँ, वो एक डेड बॉडी घसीट रहा है। ब्रो, this is bad, bro. भाई क्या ट्रॉमा मिला होगा डॉली को, डेड बॉडी, किसकी बॉडी? आई डोंट नो बट शायद शिवम की। ब्रो तुम मेरे को ऐसे क्यों कर रहे हो भाई, मेरे से क्या दुश्मनी है तुम्हारी, और इतने लेट मैसेज क्यों आया तेरा, 3 PM के बाद 11 AM पे। एंड देन इसने एक वीडियो भेजी है जो कि मुझे देखनी चाहिए, नहीं आई डोंट नो ब्रो, दैट्स द सेम किलर क्लाउन, ये रिकॉर्ड कर रही है इसे ब्रो, नहीं तेरे को रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, आई थिंक सो। देख लिया, गई बेटी। ओह नो डॉली, उसने तुम्हें देख लिया है, ओ माय गॉड, भागो वहां से, पुलिस पहुंचती होगी, उसने तुम्हें पकड़ तो नहीं लिया डॉली? भाई नट बंद हो गया डॉली का, आर यू ओके? ओह नो ब्रो, डॉली देख भी नहीं रही है मैसेजेस, भाई डॉली आई फील सैड फॉर यू डॉली, डॉली की डॉली उठ गई भाई, सच्ची में उठ गई। ऑल 4 किडनैप्ड फ्रेंड्स वर फाउंड डेड, किलर क्लाउन वाज नेवर कॉट। माय गॉड ब्रो, दैट वाज अ बैड एंडिंग, दैट वाज द वर्स्ट एंडिंग एवर। ठीक है आज की हॉरर स्टोरी यहीं पे खत्म होती है, दिस वॉज रियली इंटरेस्टिंग, मेरे को पढ़ने में बहुत मजा आया, प्लीज तुम भी कमेंट्स में बताना तुम्हें कैसा लगा और तुम्हें अगर और चाहिए तो प्लीज कमेंट्स करना। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट, हा हा। अब बीट पे गदर मचेगा, कटेगा ये पिज्जा, सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा, बोलेगा आई स्वेयर, चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।